ये तस्वीरें बेंगलुरु मुंबई या किसी मेट्रो सिटी की नहीं है बल्कि शहर के महबूब नगर की है, जहां कॉरपोरेटर अयाज खान ने अपने वादे के मुताबिक एक ऐसी खूबसूरत रोड बनाई है जिसको देख तमाम एरिया के लोग अयाज खान को कॉरपोरेटर बनाकर खुशी महसूस कर रहे हैं। अपने वादे के मुताबिक अयाज खान MLA कनीस फातिमा और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खड़गे से मुलाकात कर इस रोड की हालत बताते आ रहे थे और KKRDP से प्रियांक खड़गे के फंड से 1 करोड़ रुपया सेंक्शन किया गया, जिसके बाद अयाज खान ने MLA कनीस फातिमा की निगरानी में अपना पूरा वक्त देते हुए एक ऐसी रोड बनाई जिसको देख मोहल्ले के लोग बेहद खुश नजर आए हैं। 400 मीटर की यह रोड है जहां पूरी जगह का इस्तेमाल करते हुए अयाज खान ने सीमेंट रोड बनाने के साथ साइड से पीवर्स ब्लॉक वर्क किया है और सिटिंग बेंच के अलावा बहुत ही खूबसूरत लाइट पोल्स लगाए हैं। अयाज खान ने अपने वादे के मुताबिक एक खूबसूरत रोड बनाकर कॉरपोरेटर होने की जिम्मेदारी निभाते हुए यहाँ एक दोस्ती का हक भी अदा किया है। महबूब नगर से मरहूम अफसर साहब अयाज खान के अच्छे दोस्त थे, जो इन्हें इस वार्ड से कॉरपोरेटर बनाने की ख्वाहिश रखते थे, पर अफसोस अयाज खान के कॉरपोरेटर बनने से पहले ही इनका इंतकाल हो गया। लेकिन अयाज खान ने अपनी दोस्ती की याद में एक तोहफे की शक्ल में इस रोड का नाम अफसर साहब के नाम से इनॉग्रेशन कर दोस्ती का हक अदा किया है। अयाज खान ने कहा, वार्ड नंबर 17 में और भी कई डेवलपमेंट वर्क बाकी हैं जिसको बड़ी तेजी के साथ शुरू किया जाएगा। इस रोड का इनॉग्रेशन गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा के हाथों किया गया और इस मौके पर एरिया कॉरपोरेटर अयाज खान के अलावा बाबा नजर मोहम्मद खान, मजर आलम खान, फराजुल इस्लाम, वाहिद अली फातेह खान, नईम खान, जैदुल इस्लाम, कॉरपोरेटर अजीम शिरनी फरोज, रहीम मुल्ला, गौस मत्तेमुर, खुसरो जागीरदार, ताहिर अली और अजीम पटेल के अलावा दीगर कई कांग्रेस लीडर्स और मोहल्ले के जिम्मेदार यहाँ मौजूद थे। तमाम लोगों ने अयाज खान को एक खूबसूरत रोड बनाने के लिए मुबारकबाद देते हुए शहर के दीगर इलाकों में भी इसी तरह का काम होने की ख्वाहिश जताई है। मजीद तमाम लोगों ने क्या कहा जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अल्हम्दुलिल्लाह आज वार्ड नंबर 17 में महबूब नगर में जो रोड की ओपनिंग हुई है ब्यूटिफिकेशन की, ये लाइट्स आप लोग देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एकदम ही अच्छा लुक आ गया है यहाँ पर महबूब नगर में। और ये KKRDP ने ट्रेंड साहब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब के फंड में ये काम हुआ है 1 करोड़ का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं तब्बो खान साहब को मुबारकबाद देती हूँ उनके लिए जो काम हुआ है और तमाम यहाँ के लोगों को भी मैं मुबारकबाद देती हूँ और बहुत ही अच्छी से यहाँ पे काम भी हुआ है। मैं तमाम लोगों को शुक्रिया मुबारकबाद देती हूँ, आप तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा। स्टडी का बड़ा है प्रोजेक्ट और हर जगह इंशाल्लाह हर एरिया में हर वार्ड में करेंगे हम लोग ये सब काम। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आज महबूब नगर में वार्ड नंबर 17 में तब्बो खान साहब के एरिया के अंदर जो है KKRDP हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खड़गे साहब के फंड से और मैडम कनीस फातिमा MLA मैडम की निगरानी के अंदर जो है उनकी सदारत में ये काम हुआ है। मैं हमारे इस महल्ले की तरफ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर मैडम कनीस फातिमा और तमाम कांग्रेस के लीडरों का जो है शुक्रिया अदा करते हैं और तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं कि और उम्मीद भी करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह गुलबर्गा के तमाम वार्ड में इंशाल्लाह मैडम कनीस फातिमा के जरिए जो है काम शुरू होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 17 महबूब नगर में बहुत अच्छा काम हुआ है ब्यूटिफिकेशन का, जो मुझे मेरी बहुत टाइम से ख्वाहिश थी। अल्हम्दुलिल्लाह प्रियंक साहब के डिस्ट्रिक्ट के फंड में 1 करोड़ रुपए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सैंक्शन हुए हैं। हमारे तब्बू खान साहब बहुत पीछे पड़े थे मेरे, ब्यूटिफिकेशन काम दाली अल्हम्दुलिल्लाह आज काम हुआ है, बहुत खुशी हुई। और इसी तरह संतराशवाड़ी में भी ऑलमोस्ट 1 करोड़ काम डाले हम लोग, वो भी इंशाल्लाह जल्द से इफ्तिताह हो जाएगी। और MG रोड का भी काम है, ऐसे बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटिफिकेशन के काम है, जल्द से जल्द इनॉग्रेट होंगे
तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी तरह हमारे साथ जुड़ के रहिए, इंशाल्लाह गुलबर्गा को एक नया रुख देंगे हम लोग। हमारे ख्वाहिश है मॉडर्न गुलबर्गा बनाएंगे। और तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, बाबा खान साहब है, मजहर भाई है, हमारे तब्बू खान साहब है, गौस भाई है, तमाम कॉर्पोरेटर्स यहाँ पे मौजूद है, रहीमुल्ला साहब भी है, तमाम हमारे अरविंद भाई भी है। अब तमाम लोग हमारे साथ ऐसी जुड़ के रहिए, इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे, आप लोगों का साथ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज वार्ड नंबर 17 में एक रोड का इफ्तिताह हुआ है ब्यूटिफिकेशन के साथ। इस इफ्तिताह को करने के लिए हमारे गुलबर्गा नॉर्थ के MLA साहिबा मैडम कनीस फातिमा और हमारे फराज इस्लाम साहब, बाबा नजर मोहम्मद खान साहब और ये काम को इस वार्ड के जो निगरानी कर काम किए हैं अयास खान साहब और गुज्जू साहब और हमारे डिप्टी मेयर साहब और महल्ले के तमाम जिम्मेदार लोग ने यहाँ पर इस काम की ओपनिंग में अटेंड किया है। ये काम मैं समझता हूँ लगभग 1 करोड़ की लागत से किया गया है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे साहब के फंड में, मैडम कनीस फातिमा साहिबा की हिदायत में ये काम हुआ है। पिछले कई दिनों से तब्बो खान साहब की एक ख्वाहिश थी कि ये रोड जो महबूबनगर की जो मेन रोड है उसके साथ ही ये पैरेलल रोड है जो रिंग रोड को कनेक्ट होती है, ये रोड की हालत बहुत खराब थी बहुत दिनों से। तो हमेशा से आकर मैडम को और फराज बाबा को कंटिन्यू इसके बारे में बोला करते थे, तो उसके बाद मैडम और फराज बाबा ने मिलकर इस फंड को है ना यहाँ पर 1 करोड़ की लागत से लगाया है। और पीछे इसके पीछे भी मस्जिद के पास वहां भी गलियों में पेवर्स डालकर ऐसा बेहतरीन पोल्स ब्यूटिफिकेशन के लिए पोल्स लगाकर एक खूबसूरत यहाँ पर रोड और ब्यूटिफिकेशन का काम किया है और रोड के साइड में बेंचेस का भी इंतजाम किया है। इसी तरह हर एरिया में अभी फराज बाबा ने बताया है संतरासवाड़ी में भी इसी तरह जैसे 1 करोड़ रुपए का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट पे है, वो भी आगे आने वाले दिनों में उसकी भी इफ्तिताह होगी। और कई एक एरियो में ऐसे काम का इफ्तिताह हुआ है और वो काम चल रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। और शहर एक गुलबर्गा नॉर्थ एक ब्यूटिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है और तमाम लोग इसमें काम कर रहे हैं, खासतौर पर हमारे यहाँ के MLA साहिबा बहुत मेहनत कर रही है फंड लेकर आने और ये शहर हमारे नॉर्थ को ब्यूटीफुल करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। मैं तमाम लोगों का खासतौर से वार्ड नंबर 17 के लोगों का मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और मेरी जानिब से, मैं MLA साहिबा की जानिब से, हमारे फराज इस्लाम साहब की जानिब से, मैं तब्बो खान साहब को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। आज महबूबनगर मेन रोड से दरगाह से आते वक्त लेफ्ट साइड में एक रोड का इनॉग्रेशन हुआ है जिसका नाम यहां पे अफसर साहब गली से जो है ना दिया गया है, जिसमें मैडम कनीस फातिमा ने जो एतमाद के साथ जो तब्बो खान साहब को जो टिकट दी थी यहाँ पे और पूरी जिम्मेदारी लेते हुए हमारे बाबा नजर मोहम्मद खान साहब ने जो इनका रिकमेंड करके जो टिकट लिए थे कॉरपोरेशन में, मैं समझता हूँ मैडम कनीस फातिमा का और बाबा नजर मोहम्मद खान साहब का जो एतमाद था तब्बो खान साहब के ऊपर, मैं समझता हूँ आज ये गली का काम करके 300 रोड का एक जो गली की शक्ल में थी उसको एक रोड की शक्ल में लाकर साइड के पूरा इंक्रोचमेंट हटाकर यहाँ पे 390 मीटर की जो गली को रोड की शक्ल में जो बनाए हैं साइड में पूरा फुटपाथ लेते हुए और स्ट्रीट लाइट का और ये तमाम जो है ना यहाँ से कितने 100-150 जो है ना लाइट में जो साइड में जो लाइट लिया है स्ट्रीट लाइट का बेंचेस, मैं समझता हूँ गुलबर्गे में फर्स्ट मॉडल पेश करे हैं। मैं तमाम गुलबर्गा के जो है ना कॉर्पोरेटर से भी यही उम्मीद रखता हूँ कि वो भी एक ऐसा काम करके जो है ना गुलबर्गे में एक अच्छा डेवलपमेंट दे, क्योंकि मैं देखा हूँ यहाँ पर आकर पिछले 2-3 घंटे से यहाँ पे हूँ मैं समझता हूँ जो दुबई में, सऊदी में, हमारे बेंगलुरु में जो रोडा देखा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए महसूस कराऊँ। तो महबूबनगर के मेन रोड से जब लोग जाते हैं तो इधर आकर जाना भी मुनासिब नहीं समझते थे, वैसे थे गलियाँ हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से जो है ना तब्बो खान ने डेवलपमेंट किया है वो गली में से हर कोई अब गुजरना चाहेगा, क्योंकि जो पूरा अपना वक्त देते हुए तब्बो खान ने
ये रोड को जो डेवलपमेंट किया है, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनके साथ साथ यहाँ की आवाम को भी मुबारकबाद देता हूँ कि जब एक कारपोरेटर अपन दिलचस्पी से अपना एक एरिया का डेवलपमेंट करना चाहता है तो आवाम भी साथ देना। जब तक आवाम साथ नहीं देंगे, वार्ड के लोग साथ नहीं देंगे, कोई डेवलपमेंट नहीं होता। तो मैं यहाँ की आवाम को भी जो है ना बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपको ऐसा एक कॉर्पोरेटर मिला है। आप अपने वार्ड के तमाम जो है ना गलियों को जो है ना इसी तरह चमकाने का और अच्छा डेवलपमेंट करने का जो है ना मौका दो, इंशाल्लाह तब्बू खान आपके तमाम वार्ड को जो है ना चमका देंगे इंशाल्लाह इसी तरह। आज रामजी नगर के इस डेवलप को देखते हुए मुझे भी बहुत बड़ी खुशी हो रही है और तमाम लोगों को भी बहुत बड़ी यहाँ पे तब्बू खान के ऊपर बहुत बड़ी खुशी हो गई। मैं सबसे पहले मैडम करनीस फातिमा जी को, फराजुल इस्लाम साहब को और उनके साथ साथ तब्बू खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इसी तरह अगर काम करते रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर लोग, हर गली के लोग, हर वार्ड के लोग बराबर मैडम को चाहेंगे और हर कारपोरेटर को भी इसी तरह चाहेंगे। इस गली को लेकर, गली को जो चौड़ा करके, जो साइड में फ्लावर्स डाल के और स्ट्रीट लाइट के पोल यहाँ पे डालकर तब्बू खान ने यहाँ पे तमाम लोगों का दिल जीता है, इसी तरह से हम भी इंशाल्लाह अपने वार्डों में इसी तरह काम करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आलमगीर। आज 25 अगस्त आज रोड का इफ्तिताह था। इफ्तिताह जो है ना मेरे भाई मरहूम सैयद अफसर अली साहब के नाम से हो गया है। इसमें हमारे तब्बू खान साहब, कारपेंटर साहब, बहुत हमारे भाई की ख्वाहिश थी कि एरा अच्छा डेवलपमेंट होना बोल के जो है ना तब्बू खान से बहुत ये करते थे। उन्होंने तब्बू खान साहब वही उनको हमारे भाई को जो वायदा करे थे वो वायदा पूरा करे। मैं समझता हूँ पूरे गुलबर्ग में जो है ना काम भी काम नहीं हुआ, खान साहब हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर चुके हैं यहाँ से जो है ना हिमनगर से जो है ना। और मेरे को पूरा बाहर फॉरन दिखे सा दिख रहा है यहाँ पे जो है ना पूरा ठहरे तो जो है ना उस टाइप करे हैं। आने वाले दिनों में भी ऐसा ही खान साहब अच्छा काम करें और आने वाले दिनों में उन्हें ही कारपेंटर बन के आने में अल्लाह से हम दुआ करेंगे। और खुसूस मेहमान जो कनीस फातिमा मैडम, MLA फराज इस्लाम, नजर मोहम्मद खान साहब और गिज्जो साहब और मजर खान साहब, ये लोगों को तहे दिल से मैं ये प्रोग्राम में आने का शुक्रिया तहे दिल से करता हूँ। आज 2021 के फर्स्ट कारपेंटर है तब्बू खान साहब, जिन्होंने अपने एरिया के अंदर एक नया कारनामा करके दिखाया आवाम को। मैं अली जनाब कनीस फातिमा मैडम साहबा, फराजुल इस्लाम साहब, प्रियंक खरगे जी, JDA चेयरमैन मजर खान साहब और इस एरिया के कॉर्पोरेटर तब्बू खान साहब, इन्होंने जो कारनामा किया गुलबर्गे के अंदर, ये फर्स्ट कारनामा है। अगर कोई बाहर के लोग अगर इस रोड को अगर देखते हैं तो आके कम से कम थोड़ी देर के लिए ये महसूस कर सकते हैं कि हम बाहर कंट्री में है बोल के। मैं वार्ड नंबर 17 की अवाम को अपील करता हूं कि आने वाले वक्त में भी आप अपने कॉर्पोरेटर को टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, क्योंकि आपका कॉर्पोरेटर एक डायनेमिक लीडर है। आने वाले पीरियड में उन्होंने मैं भी बन सकते हैं, डिप्टी मेयर भी बन सकते हैं आपके आपके दुआओं से। मैं यहाँ की अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। इतना कहते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस यहाँ पे काम हुआ है, खान साहब को, तमाम JDA चेयरमैन मैडम करीस फातिमा जी, प्रियंक खरगे जी और मेरे तरफ से, मैं वार्ड नंबर 4 एक्स कारपेंटर आजम पटेल के तरफ से, मेरी अवाम के तरफ से भी मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। आज 25 अगस्त 2024 ये दिन एक दिन ये यादगार दिन है। मैं सबसे पहले जनाब प्रियंक खरगे साहब, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, उनका शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने मुझे उनके बजट में 1 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। इसमें सबसे बड़ी मेहनत MLA मैडम कनीस फातिमा जी की और फराजुल इस्लाम साहब की और मजर आलम खान साहब की थी, जो ये फंड यहाँ पर ला के यूटिलाइज किए हम लोग। और इस तरीके से यूटिलाइज हम भी नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा काम। सबकी मेहनत, मेरी टीम की, सब लोग हम लोग मिलके, एरिया वाले और अफसर साहब के भाई सब, ये पूरे जितने दोस्त जो ठहरे हुए हैं सबकी मेहनत से आज ये रोड आप लोग के सामने है। तो और ये एक रोड मैं अफसर साहब के नाम पे एक ये एक गिफ्ट के तौर पे मेरे तरफ से, मेरी फैमिली के तरफ से, मेरी टीम के तरफ से है, क्योंकि अफसर साहब ने मुझे बहुत सी हेल्प की थी इलेक्शन से पहले। 2018 से हम लोगों की दोस्ती थी, वो बहुत फोर्स किए थे मेरे को कि आप महबूब नगर से ही ठहरना, कहीं से नहीं ठहरना। तो वो अनफॉर्चुनेटली
वो इलेक्शन से पहले उनका इंतकाल हो गया, वो इलेक्शन में नहीं थे, हमारे साथ बीच में नहीं थे, मगर उनकी कमी महसूस नहीं हुई क्योंकि उनकी टीम, उनके भाई, उनका घर, उनकी फैमिली सब लोग साथ दिए मेरा। तो मैं ये एहसान देखते हुए मैं एक मेरे तरफ से ये गिफ्ट अफसर साहब नाम के रोड की तरफ से दे रहा हूँ। मैं आए हुए मेहमान मोहतरमा MLA मैडम गनीस फातिमा साहिबा और फराजुल इस्लाम साहब, मजहर आलम खान साहब GDA चेयरमैन और बाबा नजर मोहम्मद खान साहब, वाहिद अली फातेह खानी साहब का और जैदुल इस्लाम साहब का और मेरे तमाम साथी चेयरमैन और डिप्टी मेयर नईम खान साहब हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हैं, उनका तमाम कॉरपोरेटर मेरे साथी कलीग्स का, तमाम लोगों का, तमाम महबूब नगर की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बरोज 25 तारीख 2024 महबूब नगर वार्ड नंबर 17 में मेरे मरहूम भाई के नाम से रोड का इब्तिदा हो गई है। हमारे तब्बो खान साहब की मेहरबानी से काम हो गया है और खासकर मेहमान खुसूसी नॉर्थ MLA कनीज फातिमा मैडम जी, फराजुल इस्लाम साहब, जैदीन इस्लाम साहब, बाबा नजर मोहम्मद खान साहब, नजर आलम खान साहब, नहीम खान साहब और दीगर जितने भी कारपोरेटर आए थे उनका सभी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके महबूब नगर के आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे डायनेमिक लीडर तब्बू खान साहब जो काम कर चुके हैं, शायद ही दिलवर में ऐसा काम नहीं हो चुका है। हम उनके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह, उन्हें मेयर बनने की ख्वाहिश है हमारी, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। और एक बार मैं तब्बू खान साहब का मेरे मरहूम भाई सैयद अफसर अली साहब के नाम से जो रोड इफ्तिदा किए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और लाइटिंग का काम, चेयर्स का काम, जो टाइल्स का काम, शायद गुलबर्गे में ऐसा काम नहीं हो चुका है जो तब्बू खान साहब जो करे हैं। हम सभी हमारे घर की फैमिली, साहिब फैमिली, उनको शुक्रिया अदा करते हैं। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।